एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता है। उससे मिलने के लिए एक विदेशी मेहमान आता है और वह मेहमान जाते हुए राजा को भेंट स्वरूप एक कीमती और सुंदर पत्थर देकर के जाता है। उस पत्थर को देख करके राजा बहुत खुश होता है और सोचता है कि मैं इससे एक बहुत सुंदर भगवान की मूर्ति बनाऊंगा और उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करूंगा। अपना ये आदेश राजा राज्य के महामंत्री को सुनाता है। महामंत्री उस पत्थर को लेकर के उस राज्य के प्रतिष्ठित मूर्तिकार के पास जाता है और उसे वो पत्थर देते हुए कहता है कि आपको इससे भगवान की एक सुंदर मूर्ति तैयार करनी है और ये मूर्ति आपको 7 दिन के अंदर तैयार करनी है और इसके बदले में आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर के मूर्तिकार खुश हो जाता है और तुरंत अपने औजार निकाल करके मूर्ति बनाना शुरू करता है। मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार हथौड़े से पत्थर को तोड़ना शुरू करता है। वह पहली चोट पत्थर पर मारता है लेकिन पत्थर नहीं टूटता है, पत्थर टस से मस भी नहीं होता है। इस प्रकार से जो मूर्तिकार है वो एक एक करके बहुत सारी चोटें जो है हथौड़े से पत्थर पर मारता है लेकिन पत्थर नहीं टूटता है। और अब वो 50वीं चोट पत्थर पर मारने ही वाला था, उसने हथौड़े को उठाया था, तभी उसके मन में विचार आया कि जब इतनी सारी चोटें मारने के बाद भी पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा, और वो वहीं पर प्रयास करना छोड़ देता है और वो पत्थर जाकर के वो महामंत्री को वापस कर देता है और कहता है कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है। लेकिन महामंत्री को राजा का आदेश किसी भी प्रकार से पूरा करना था, राजा का आदेश पूरा करवाना था, इसलिए वह उस पत्थर को लेकर के उस राज्य के एक साधारण मूर्तिकार के पास जाता है और उसे भी वही बात बताता है। साधारण मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही हथौड़ा निकाला और वह हथौड़े से पत्थर के ऊपर वार करता है तो पत्थर टूट जाता है। यह देख करके महामंत्री सोचता है कि काश उस मूर्तिकार ने भी यह 50वीं चोट अगर मारी होती, अगर उसने भी एक प्रयास और किया होता तो ये 50 स्वर्ण मुद्राएं उसकी हो सकती थी। दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा ही हम लोगों के साथ भी कभी कभी ज़िंदगी के अंदर होता है। हम प्रयास कर करके थक जाते हैं और कभी कभी हम सफलता के बहुत पास होते हैं लेकिन हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए, कभी भी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि अगली ही बार आप सफल होने वाले हों, अगला ही प्रयास आपको सफलता के पास ले जाने वाला हो, लेकिन उस वक्त अगर आपने प्रयास करना ही छोड़ दिया तो आप बहुत दूर चले जाएंगे सफलता से। ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मैं आपको इस वीडियो को ना लाइक करने के लिए कहूँगा ना ही कमेंट करने के लिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूँ कि अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी, अगर थोड़े से भी आप इंस्पायर हुए हैं तो प्लीज़ इससे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।